हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम जोमेटो में पेमेंट किन किन ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो उसके लिए हम प्ले स्टोर पर चलते हैं और सर्च करते हैं जोमेटो एप्लीकेशन। जोमेटो टाइप करें, सर्च कर लें, इंस्टॉल कर लें जोमेटो को। ये दूसरी वाली एप्लीकेशन है एक बार। तो जोमेटो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में मेनू स्क्रीन पे आ जाएं। होम स्क्रीन पे जाने के बाद जोमेटो एप्लीकेशन को खोल लें। कुछ इस तरीके की दिखेगी उसका आइकन। खोलने के बाद मैं फेसबुक से लॉगिन कर लें, गूगल प्लस से भी कर सकते हैं, जीमेल से और किसी अदर ईमेल से भी कर सकते हैं आप। फेसबुक से करूँगा मैं। स्किप कर लें ऊपर की साइड से। अगर आप देखना चाह रहे हैं कौन कौन से फंक्शन है तो टूर पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ से कोई भी ऑर्डर कर लेते हैं किसी एक। उसमें मैं 40 फरवरी पे जाता हूँ जिस पे 50% ऑफ है। ओम ढाबा सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओम ढाबा से देख लेता हूँ क्या क्या, कोई एक डिश ऑर्डर करके आपको दिखाता हूँ कि पेमेंट के ऑप्शन क्या क्या है इसमें। तो कोई एक डिश सेलेक्ट कर लेते हैं। व्यू कार्ट पे जाएंगे सेलेक्ट करने के बाद में। यहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है अभी 50% ऑफ का। तो 40 फरवरी में यहाँ पे स्पेशल कुकिंग इंस्ट्रक्शन डाल सकते हैं कि आपको क्या चाहिए खास उसमें कुकिंग में। प्रोमो कोड अप्लाई कर दें अपना, जो आपका प्रोमो कोड जो आपको चाहिए। एक 30% ऑफ चल रहा है फरवरी में, एक 50% ऑफ चल रहा है। तो टेस्टी वाला सेलेक्ट कर लें, इसमें 50% ऑफ है। और 20% एक्स्ट्रा, 20 रुपये का एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट चार्ज देना पड़ता है। अपना एड्रेस सेलेक्ट कर ले कोई भी। होमवर्क या अदर टाइप है, कहाँ पे आप मंगाना चाह रहे हो वो भी डाल दें नीचे। डिलीवरी इंस्ट्रक्शन कुछ है तो आप डाल दें। नेक्स्ट, सेव कर दें। सेव करने के बाद में प्लेस ऑर्डर बैक करते हैं। क्या खुल गया? तो इसमें दोस्तों नीचे की साइड में आता है, चेंज आ रहा है जहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, वीज़ा, और नीचे चेंज आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है। प्लेस ऑर्डर की पास में लिखा हुआ जो आ रहा है वहाँ पे जाके सेलेक्ट करना है उसे। वहाँ से आप अपना पेमेंट मेथड चेंज कर सकते हैं। बैक कर लेते हैं अभी। यहाँ से मैंने अभी कार्ड डाला हुआ है, कार्ड की पेमेंट सीधा CVV मांगता है और पेमेंट हो जाती है। CVV डालने के बाद में एक पासवर्ड आता है, उससे पेमेंट हो जाती है। लेकिन मैं आपको और भी तरीके बताऊंगा। चेंज पे चलते हैं। चेंज क्लिक करने के बाद में आपके पास यहाँ पे कई तरह के ऑप्शन खुल रहे हैं। सबसे पहला है पेटीएम, फिर कार्ड का है, फिर गूगल पे से, और कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं आप। चार तरीके की पेमेंट है इसमें। तो हम पेटीएम देखेंगे पहले। पेटीएम में सीधा पेटीएम सेलेक्ट करने के बाद में इस तरीके का खुलेगा। अभी ये अमाउंट लोड कर रहा है प्रोमो कोड लगा के। थोड़ा वेट करते हैं, जैसे ही अमाउंट आ जाएगी आप प्रोसीड कर दें। प्लेस ऑर्डर पे जाए,
प्रोमो कोड लग गया है, प्लेस ऑर्डर तब का बटन दबाना है। इसमें जितने अमाउंट का आप डिश ऑर्डर करते हैं उसका 50% हो जाता है, प्लस 20 रुपये का डिलीवरी चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे पेटीएम में जितने पैसे मेरे पेटीएम अकाउंट में अभी कोई वॉलेट में अभी पैसे ऐड नहीं है, तो यहाँ से ऐड करके और सीधा प्रोसीड टू ऐड मनी करने के बाद में पेमेंट कर दें। इसका तो सिंपल दो ही स्टेप में हो जाता है। यहाँ पे आगे खुलेगा, जब अगर आपके वॉलेट में पैसे हैं तो ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, अगर नहीं है तो आप कार्ड से सीधी पेमेंट कर सकते हैं। इसमें सीवीवी नंबर डालेंगे, आपके पास एक ओटीपी आएगा, वो डाल के और आपको पे करना है बस सिंपल। तो मैं बैक आ जाता हूँ, अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं चेंज पे जाके। वीज़ा कार्ड में वही सिंपल होता है, आप अपना 14 अंकों का एटीएम पिन डाल दें, फिर एक्सपायरी डेट और सीवीवी नंबर डालने के बाद में एक आपके पास में कोड आएगा, जब आप प्रोसीड करोगे उसे डाल के आपकी पेमेंट हो जानी है। तीसरा है गूगल पे का, गूगल पे पे जाने के बाद में आपको प्लेस ऑर्डर करना है। प्लेस ऑर्डर करने के बाद में आपको सीधा सिंपल आपका खुलेगा कि आपका किस मोबाइल नंबर के थ्रू रजिस्टर्ड है, वो मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपका कुछ इस तरीके से प्रोसीड टू पे का खुलेगा और आपको प्रोसीड टू पे कर देना है। प्रोसीड टू पे जैसे ही आप करेंगे तो आपका यूपीआई पिन मांगेगा, यूपीआई पिन मांगते ही जो आपका पासवर्ड है वो आपकी पेमेंट हो जाएगी। मैंने गलत पिन डाल दिया है यहाँ पे क्योंकि मुझे पेमेंट नहीं करनी। बैग आ जाते हैं, बैग आने के बाद में तो दोस्तों ये कुछ सिंपल स्टेप थे जिनके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही।